मैं हूं अर्पिता और आप सबको स्वागत है मेरी चैनल अर्पिताज किचन एंड क्रिएशंस में। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी प्रोसेस में चिकन करी, वो भी कुकर में। ना इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट की ज़रूरत है और ना कोई झंझट की। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो डालूँगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक छोटा सा बाउल लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर देके थोड़ा हम डाल देंगे पानी और उसको मिक्स करके भीगने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन लिया है, चिकन मैंने ले लिया है 300 ग्राम। अब हम कुकर गरम कर लिए हैं, अब हम इसमें दे देंगे मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि नॉन वेज बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल ही मतलब अच्छा लगता है, उसके टेस्ट अच्छा आती है। यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले दे देंगे, जीरा दे देंगे, थोड़ा सा तेज पत्ता, दालचीनी, दो मैंने यहाँ पे सूखा मिर्च लिया है, एक लौंग, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची ली है और मैंने यहाँ पे दे दिया है प्याज, मैंने यहाँ पे दो बड़े प्याज लिए हैं कट करके। अब हम दे देंगे इसमें लहसुन, लहसुन बस मैंने इस तरह से इसका स्किन निकाल के बस डाला है। यहाँ पे मैंने एक से डेढ़ लहसुन यूज किया है, इसको हम थोड़ा सा ही भून लेंगे 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जब ये 50% पक जाए प्याज हमारा, तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर, जिंजर हमें थोड़ी देर बाद देना है। थोड़ा सा बस मैंने 1 इंच जिंजर को ग्रेट करके यहाँ पे डाल दिया है। इसको हम 1 मिनट भूनने के बाद हम जो हल्दी, धनिया और मिर्च का पाउडर का हमने जो पानी डाल के मिक्स करके रखा था उसको डाल देंगे इसमें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे। अब हम फ्लेम लो कर लेते हैं। अब हम इसमें दे देंगे एक बड़ा कटा हुआ टमाटर, टमाटर को मैंने यहाँ पे चॉप्ड कर लिया है अच्छे से। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है और बाकी का नमक हम बाद में यूज करेंगे। आप चाहे तो एक साथ भी नमक डाल सकते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक्चुअली जीरा पाउडर भूल गई थी डालने के लिए, तो आप यही स्टेज में ही भुना हुआ जीरा पाउडर डालना 1/2 टेबल स्पून। थोड़ा सा हम पानी दे देंगे, जो कटोरी में मैंने मसाले भिगो के रखा था उसी में ही थोड़ा सा पानी देके मैंने यहाँ पे पानी दे दिया है और थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड कर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमें 3 सीटी लगा लेनी है मीडियम फ्लेम पे ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाए। तीन सीटी होने के बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब गैस अच्छे से निकल जाए तब हम इसको खोल के देख लेंगे कि मसाला हमारा पका है या नहीं। देखिए थोड़ा गर्म है। इसको अब हम मैश कर लेंगे, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ये अच्छे से मैश हो जाएगा, पूरा मसाले की पेस्ट की तरह ही हो जाएगा। पूरा हमारा जो प्याज था और गार्लिक था, जिंजर, सब यहाँ पे पक गया है। देखिए अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसको 2 मिनट तक भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। इसको 2 मिनट भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा चिकन, चिकन को अच्छे से हमें 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनना है। जैसे कि ऑयल देखिए ऊपर आ गया है थोड़ा थोड़ा। मैं जीरा पाउडर देने के लिए भूल गई थी, तो इसी स्टेज में मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूँगी, भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसको मैं मिक्स कर लिया है। हमें अब डालनी है इसमें थोड़ा सा नमक, आप स्वाद के अनुसार आपको जितना नमक चाहिए आप उतना डालिए। और यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर लिया है।
फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके हम 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। और थोड़ा सा अब हम डाल देंगे इसमें चिकन मसाला। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और ऑयल भी हमारा ऊपर, देखिए ये ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसी स्टेज में दे देंगे यहाँ पे पानी। अगर आपको राइस के साथ खानी है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी दीजिए, और अगर आपको यहाँ पे रोटी के साथ खानी है तो आप थोड़ा कम पानी देके आप बना सकते हैं। ये मुझे राइस के साथ खानी थी तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी दिया है। अब हम इसमें दे देंगे 1 ग्रीन चिली, मैंने यहाँ पे बीच में कट कर लिया है, ऐसे ही दे देंगे। अब हम इसमें इसको मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी लगा देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, चिकन करी हमारा रेडी हो गया है। ये गरम है अब पूरा, आप इसको अगर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इसका कलर और भी अच्छा दिखेगा आपको। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और ये बैचलर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ना इसमें कोई ग्राइंडर की ज़रूरत है, ना कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट की, आप आराम से बना सकते हैं इसको एक ही कुकर में। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो डालूंगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी चैनल में और भी चिकन की रेसिपीज़ हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में भी मैं प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और बिरयानी की भी बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक यू।